मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर ने नौकरी से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने गुरुवार दोपहर छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जनसभा में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व अधिकारी निशा बांगरे छिंदवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर पहुंची। इस मौके पर कमलनाथ ने निशा से कहा कि आप चिंता मत करिए, आपसे मध्य प्रदेश की सेवा कराएंगे। कमलनाथ ने मंच से साफ लहजे में कह दिया कि निशा बांगरे मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़ाई लड़ी और जब मैंने ये संघर्ष शुरू किया आज से 4 महीने पहले, माननीय कमलनाथ जी से मेरा सतत संपर्क रहा। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ ने, जो हमारे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं माननीय विवेक तन्खा जी के माध्यम से, कमलनाथ जी ने मेरी इस लड़ाई को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। हमने वहां से भी अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ आप देख रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने जो मेरा आमला की टिकट होल्ड किया सिर्फ इस इंतजार में कि मेरा इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो मंजूर करेगी, लेकिन उनका षड्यंत्र देखिए, उन्होंने उस दिन मेरे इस्तीफे को मंजूर किया जब कांग्रेस ने उस पार्टी के में प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो इस तरह का षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे साथ किया है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये मध्य प्रदेश की तमाम महिला के साथ है। तो इसीलिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और अब हम अपने अधिकारों की लड़ाई माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस पूरे मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते हैं।